आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। भगवान की पूजा पाठ करते, काम अच्छा था, दान धर्म बहुत करते, तो काफी गुण थे उनमें। जब तक सुबह उठने के बाद वो भगवान की पूजा ना कर ले, वो भोजन ना करे, और वहीं पर उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। वो जब तक सुबह उठने के बाद एक दो घर में कले ना करवा दे, वो भोजन ना करे। पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न था। वो भगवान से यही कहता कि अच्छा है, ऐसी दी है, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, बहुत अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो इस पर भी वो प्रसन्न था। उसके जीवन में केवल एक ही दुख, उसे कोई संतान नहीं थी और उसको संतान चाहिए थी। उसने हर रूप से कोशिश करी, सब कुछ कर लिया, पर उसे संतान नहीं हो रही। अंत में वो अपने घर पर एक गौ माता लेकर आता है। उसे लगा गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा, पर ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसे लगने लगा मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर में लेकर आता हूं उताने नहीं होती। अब यहां पर एक नकारात्मक विचार आया नहीं। कहते हैं ना कि एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। कैसे? और ये काम मनुष्य खुद करता है। एक नकारात्मक विचार उसके अंदर आया नहीं कि आगे के वो खुद ही सोच लेता है कि उसका जीवन कैसे खराब होने वाला है, जबकि वो होने की ना होने की संभावना भी कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसको कल पेपर देने जाना है, 10वीं के पेपर होंगे, 12वीं के होंगे, तो मान लीजिए कल उसका पेपर है। अब उसके दिमाग में पहला नकारात्मक विचार आया, अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो, यहां से उसकी यात्रा शुरू हो रही है। अब उसकी यात्रा सुनिए आप। उसके दिमाग में आया कल का पेपर अच्छा नहीं गया तो पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिली तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं हुई तो परिवार नहीं होगा, परिवार नहीं हुआ तो समाज क्या कहेगा। कहां कल पेपर देना है, इसने शादी बच्चे तक के, जबकि इन सबके होने की संभावना ना के बराबर है, उसको कुछ नहीं पता। पर एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। तो यहां एक ही नकारात्मक विचार उसके मन में आया कि मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर में लाता हूं उसे संताने नहीं होती। अब वो नकारात्मकता इतनी फैलती गई कि अंत में उसने फैसला लिया कि ऐसे जीवन का फायदा क्या, वो आत्महत्या करने जा रहा है। वो नदी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे। वो रोने लगा, वो कहे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन अधूरा लगता है, मेरा कल्याण कैसे होगा। ऋषि ने कहा तो तुम्हारे हिसाब से जिस जिसकी संतानें हैं सबका कल्याण हो गया? अरे ये जीवन केवल संतानें पैदा करने के लिए मिला है क्या? यही करना था तो जानवर ही बन जाते। देखिए असलियत में देखा जाए तो हम एक जानवर जैसा जीवन ही जी रहे हैं। अगर हम कुछ अलग नहीं कर रहे, कुछ बदलाव नहीं ला रहे इस संसार में, तो जानवरों का ही जीवन तो जी रहे हैं। आज हम काम करते हैं पेट भरने के लिए, वो शिकार करता है पेट भरने के लिए। हम शादी करके बच्चे पैदा करते हैं, वो ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं, उन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, बच्चों को भी वैसी जिंदगी, वो जैसे हमने जिया वो भी वैसे ही जी रहे, मर गए खत्म कहानी। इतना ही करना था तो जानवर ही बन जाते।
ऋषि बहुत समझाते हैं पर दुख में ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। वो रोने लगा, वो कहे मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं लेकिन मुझे संतान चाहिए, मुझे आप कोई भी आशीर्वाद दीजिए पर मुझे एक संतान, सिर्फ एक, मैं उससे ज्यादा भी नहीं मांगता, सिर्फ एक संतान। उनको दया आ गई तो उन्होंने एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, वो लेकर चले गए। अब पत्नी को दे दिया, अब पत्नी मन में विचार कर रही है कि पता नहीं फल खाने से क्या हो जाए, किससे लेकर आए हैं। इतने में ही उसकी बहन का आना होता है, उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं, मैं अभी एक महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहना कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, पर संतान तुम अपनी बहन के घर पैदा करो। मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे उसके बदले बहुत सा धन दे दे। उसको बात सही लगी। अब वो कहे कि इस फल का क्या करें? अरे बोले इनसे कुछ होना है क्या? गौ माता की टोकरी में डाल दिया, तो गौ माता ने खा लिया, वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए। अब धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रख, यानी जो बहन से वो लेकर आती है उसका नाम रखा धुंधकारी, और गौ माता से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण नाम क्यों रखा? उसका शरीर मनुष्य का था पर कान गाय के थे, इसलिए उसका नाम रखा गौकर्ण। अब दोनों बच्चे बड़े होते हैं, गौकर्ण जी बहुत अच्छे बालक हुए और वहीं पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न, आपने नहीं सुना हो तो फिर कहूं, सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें ना हो, झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरापान करना, नशा करना, गलत संग करना, वो सब करता। अब यहां पर थोड़ी अच्छी उम्र हुई तो गौकर्ण जी गुरुकुल जाने लगते हैं। पिता से कहा कि मेरे हिसाब से अब आपको भी गृहस्थ त्याग देना चाहिए, क्योंकि पहले गृहस्थ वाले भी जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे, जब बच्चे अच्छे समझदार हो जाते थे तो उनको काम सौंप कर वो वैराग्य ले लेते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से आपको भी अब गृहस्थ त्याग देना चाहिए। तो पिताजी भी वन की ओर चले गए, वैराग्य ले लिया। अब घर में केवल पत्नी और धुंधकारी। अब वो नशा करता था, नशा करने वालों को सही समय पर नशा नहीं मिले तो बेचैनी होती है। अब एक बार उसको नशा करना है, धन की जरूरत है, उसके पास धन है नहीं, तो माँ के पास आता है कि मुझे धन चाहिए, घर में कुछ नहीं था। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसको इतना क्रोध आया कि उसने क्रोध में आकर अपनी माता को ही मार दिया। अब पूरी आजादी, और जितनी भी गलत संगत थी उन सबको लेकर आ गया। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। अब उनको लगा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, तो एक रात्रि उसको बहुत मदिरा पान कराया गया, इतना कि वो खुद कुछ करने की हालत में ना रहे। अब उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से तरीके अपनाते, यानी अब वो अधमरी हालत में है पर मर नहीं रहे। इतने पाप किए हैं आसानी से तो मरने वाला नहीं। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं वो उसके मुख में डाल दिए गए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। उसके बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली, उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। गौकर्ण जी को पता चलता है, वो श्राद्ध इत्यादि करा के घर पहुंचते हैं। रात्रि में किसी के रोने की आवाज आती है। उन्होंने जोर से कहा कौन है? एक आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। वो कहे मैंने गया में श्राद्ध इत्यादि सब करा दिया। वो कहे गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति,
एक बार क्या 100 बार भी करा दो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतने पाप किए हैं, अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। तब गौकर्ण जी ने कहा कल सुबह आना। तो वो सूर्योदय से पहले उठ जाया करते थे, तो सूर्यनारायण भगवान आते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान ने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। तो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण की जाती है और 7 दिनों में ऐसा कल्याण होता है कि धुंधकारी जी को लेने भगवान का विमान आता है। अब कथा उस वक्त बहुतों ने सुनी थी, गौकर्ण जी ने बहुतों को निमंत्रण दिया था कि कथा हो ही रही है तो सब सुने। जब विमान आया तो उन्होंने विमान को रोक दिया। वो कहे कथा सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? अब जो भगवान के पार्षद आए थे उन्होंने कहा कि केवल सुनने से कल्याण नहीं होता,